काम छोड़िए, पहले खाना खाइए आप। मम्मी की तरह ख्याल रखते हो तुम मेरा। रखेगा क्यों नहीं, यही तो काम है इसका। खड़ा क्या है, जब तू भी खाना खा ले। यवराते तेरा क्या हो गया, डांट क्यों लगा दी उसकी? भाई कुछ दिनों से देख रहा हूँ सुहानी के सामने ना कुछ ज्यादा ही दांत निकलते हैं इसके। मैं भी नोट कर रहा हूँ कुछ टाइम से। क्या हाल है सुहानी जी, बड़े फिदा हैं करण जी आप। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गलत समझ रहे हैं? हम सब लोग पेंट्री में खाना खाते हैं, वो अकेला जाके क्यों स्टोर रूम में खाना खाता है? मुझे लगता है कि टिफिन में ना कुछ चोरी करके लेके जाता होगा वो। किसी दिन ना चेक कर लूंगा जाके। किसी दिन क्या, अभी चेक करते ना। चल चलो भाई, मैं तो रेडी हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है किसी का जाके टिफिन चेक कर लो। अरे तो टिफिन ही तो चेक कर रहे हैं, कौन सा गोली मार रहे हैं हम। और क्या भाई, आ जा यार। देखो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यार क्या कर रहे हो यार। और भाई करण बाबू क्या चल रहा है? कुछ चाहिए था सर, टिफिन चाहिए तेरा। अरे टिफिन मांग रहे हैं, ऐसा क्या घूर रहा है, दे इधर। देखें तो सही डाइट क्या फॉलो हो रही है। अरे खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं तेरा टिफिन, इधर दिखा। चावल, प्याज, सूखे चावल और प्याज। अबे 12,000 तनख्वाह लेता है तो ये सब पैसे जाते कहाँ हैं तेरे? घर भेजते हैं सर। सारे पैसे घर भेज देता है? सारा नहीं सर, वो 8,000 रुपये घर भेजना होता है। तुम 4,000 रुपये में पूरे महीने का खाना खाते हो? और आपको लगा हम डाइट फॉलो कर रहे हैं? हमारी कोई डाइट नहीं होती सर, हमारी जिंदगी की परेशानियां, कठिनाइयां और चुनौतियां ही हमसे डाइट करवा देती हैं। घर में बीमार पिताजी हैं, माँ है, छोटा भाई है, बहन है, उनकी पढ़ाई, घर का खर्चा सब हमें ही देखना पड़ता है सर। कल को बहन की शादी भी करवानी है सर। गरीब की डाइट तो उसकी जिम्मेदारी ही करवा देती है, फिर भी यहाँ आप लोगों के बीच में मुस्कुरा के रहना पड़ता है, सबसे हंस के बात करनी पड़ती है। और आपको हमारी हंसी में भी खोट दिखाई दे गया सर। सर ये हंसी मर्जी की नहीं है, मजबूरी की है। मुंह बना के रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमेशा मुंह बना कर रहता है। और सर 12,000 में से 8,000 घर भेजने के बाद जो 4,000 बचता है ना, उसमें से 2,000 रूम का भाड़ा देना होता है। रूम से ऑफिस आने के महीने के 500 रुपये लग जाते हैं। बच्चे 1,500 रुपये में से जो बन पड़ता है खा लेते हैं सर। सर ऐसा नहीं है कि पढ़ने का शौक हमें नहीं था, हमने भी 10वीं तक पढ़ाई करी थी सर, पर पिताजी की बिगड़ती तबीयत ने घर की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी, मजबूरी थी, घर से शहर आना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बड़े थे ना सर, हम नहीं करते तो और कौन करता। शिकायत नहीं कर रहे सर, बता रहे। आपने पूछा ना कि टिफिन में क्या है। सर इस टिफिन में बहुत सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए। सोचा था पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पूरी करके सिविल की तैयारी करेंगे। टूट गए सर। सर हमारे देश में बेटी बचाओ के बहुत नारे लगते हैं, पर उन सब में हमारे जैसे कुछ बेटे भी होते हैं सर, जिनके सपने समय से पहले ही जान दे देते हैं, टूट जाते हैं। माफ कीजिएगा सर, आज बहन का जन्मदिन भी था, उसको कुछ भेज नहीं पाए। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सर। आज नहीं तो कल ही सोचना पड़ेगा सर।
कैसे बेटों के बारे में कौन सोचेगा? बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क। आते हैं सर। सॉरी सर,